भाई, हो जा शुरू। भाई दो बंदे हमारा एटीएम से पीछा कर रहे हैं भाई। क्या? भाई वो नहीं आ रहे पीछे, बच गए यार। और भाई क्या हाल चाल है यार? भाई क्या हाल है, ना दारू है ना सुट्टा है ना माल है। अरे तो अब क्यों परेशान है, कल से तो अपना चलना दारू का जाम है। क्या मतलब? अरे भाई तूने न्यूज़ नहीं सुनी क्या? कौन सी न्यूज़? कल से तो अपनी मधुशालाएं खुल रही है। नहीं कसम से। हाँ भाई, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है भाई, तेरी कसम। और कुछ सच बोल रहा है ना? अरे भाई तूने कल की न्यूज़ नहीं देखी क्या? ओ भाई सुन ली ऊपर वाले हमारी, भाई अब तो होगी जम के दारू पार्टी। चल ठीक है भाई, अभी चलते हैं, कल सुबह मिलेंगे ठेके पे 5 बजे। एक मिनट, सुबह 5 बजे क्यों? देख भाई, सुबह 7 बजे से दारू बिकनी शुरू होगी और इतने टाइम से लोगों के हलक सूखे हुए हैं। हाँ यार वो तो है, तो जाहिर सी बात है ठेके पे भीड़ भी बहुत होगी। हाँ यार ये भी बात सही है। तो फिर क्या, बस सुबह जल्दी जाएंगे, दारू लेके आएंगे और फिर क्या करेंगे? करेंगे दारू पारे, करेंगे दारू पारे। मधुशाला में खोया, मधुशाला में। हेलो। हेलो भैया जी, एक बात पूछनी थी, ये ठेका कितने बजे खुलेगा? सुबह 7 बजे। ओके भैया। मधुशाला में खोया, मधुशाला में। हेलो। हेलो भैया जी, ठेका कितने बजे खुलेगा? अरे अभी तो बताया भैया, 7 बजे खुलेगा। ओ सॉरी भैया, मुझे 5 बजे सुनाई दिया, मैंने सोचा एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। मधुशाला में खोया, मधुशाला में। हेलो। हेलो भैया, ठेका कितने बजे खुलेगा? अरे अभी तो बताया मैंने आपको कि सुबह 7 बजे खुलेगा, क्यों नहीं खराब करने आ जाते हो? भैया थोड़ी जल्दी खोल देते यार, पिछले 1.5 महीने से ठेके के अंदर बंद हूं, अब तो साला दारू पी के मन भर गया। क्या? भैया जी हम तो भारी हैं। सॉरी भैया जी, वो कॉल मैंने ही करी थी। क्या? सॉरी भैया जी, पर आप आ गए तो मैं पेट पकड़ा दूं, कल सुबह बहुत लंबी लाइन लग जाएगी। क्या भैया? 200-400 बढ़ा के ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा रुक, अभी देता हूँ। बड़ी मेहरबानी भाई जी। और रुक तेरी जात का। अरे देख ले डाले मरदिया, जीनी जीनी है, जीनी जीनी है, हमका पीनी है, पीनी है, हमका पीनी है, हमका पीनी है, पीनी है, हमका पीनी है, हमका आया नहीं अभी तक। सच यार, तेल भी अभी खत्म होना था। हम का पीनी 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 हम का पीनी। हेलो क्या हुआ यार, पहुंचा नहीं अभी तक? अभी यार तेल खत्म हो गया यार रास्ते में गाड़ी। फिर तो भाई तू दारू भूल ही जा, आज मिलने से नहीं। कारियां खो गए पैमाने, पैमाने कारियां खो गए, दो दो जिंदा है मैं खाने, मैं खाने कारियां खो गए। ना कर साकीड़ियां बढ़िया पीनी है, पीनी है। पहुंच गया भाई। अच्छा है भीड़ नहीं है। ओ भाई ये भीड़ कहाँ से आ गई? हाँ भाई, अब तू घर चले जा, बहुत भीड़ हो गई है, शाम को मिलियो। अरे यार चल ठीक है। गूगल, लॉकडाउन के टाइम पे 5 सेकंड में दारू कैसे मिल सकती है भाई? अबे चिलगोजे, दारू चाहिए तो दारू के पीछे मत भाग, सुबह जल्दी उठ, लाइन में लग, बोतल झक मार के तुझे मिलेगी। ओ भाई
आराम से चल लो, नाली में गिर जाओगे। अबे हम अर्थव्यवस्था चलाते हैं, तुम हमें चलना सिखाओगे? भाई तुझे पता है, तेरे भाई को सब पता है। तो एक बात बताया, ये पीने के बाद कौन लड़खड़ाने क्यों लगते हैं? भाई ये तो कभी सोचा ही नहीं। मैं बताऊं? बताना भाई। अरे पगले, क्योंकि हमारे कंधों पर ना देश की अर्थव्यवस्था का बोझ है, तभी मैं कहूँ मेरे कंधे इतने भारी क्यों है। सही बात है। अच्छा बड़े भाई एक बात और बताओ, ये साला देश में सब बंद पड़ा हुआ है, ये फिर भी अपनी मधुशालाएं कैसे खुली पड़ी है? यार देख, लंबे वक्त तक नहीं पड़ सकता मधुशाला में ताला, क्योंकि एक नहीं दो नहीं पूरा देश पीने वाला। यूं तो मेरा दिल मचलता नहीं। हेलो आसानी से। अरे हेलो भाई। हेलो, इसमें कॉल आ रहा है भाई। यूं तो मेरा दिल मचलता नहीं। हेलो जान, मैं अभी देश की अर्थव्यवस्था की मीटिंग में बैठा हूँ, तुमसे बाद में बात करूंगा। लव यू। बड़े भाई मुझे एक बात बताओ। पूछो बड़े भाई। यार लोग कहते हैं शराब में नशा होता है। होता तो है यार, अगर इसके अंदर नशा होता तो ये खुद सीधे कैसे खड़ी होती? बड़े भाई एक बात कहूँ? शौक से मेरे भाई। यार ये थाली और दिया बाती के बाद हमारे देश के सुरक्षा कर्मियों के उत्साह वर्धन के लिए मुझे लगा था कि तीसरा टास्क भी होगा यार। अरे पगले, तीसरा टास्क हम लोगों के लिए है ना। कौन सा टास्क है? अरे अपने लोगों को देश की अर्थव्यवस्था जानने का है। एक बार बता यार, ये तीसरा टास्क कौन सा है भाई? यार देख, पहला था बजाना थाली, दूसरा जलाना दिया बाती। हाँ जलाई भी, तो तीसरा क्या था भाई? अरे तीसरा टास्क है ना मेरे भाई। कौन सा टास्क है? ना दिया ना थाली, चार पैक मारा सीधे नाली। चार पैक मारा सीधा नाली, ये बढ़िया था, ये बढ़िया था, ये बढ़िया था। आज बहुत पीली यार, अब मैं चलता हूँ, कई बार भी बहुत गुस्सा करेगी। नहीं तो कहाँ जा रहा तू? बैठ जा। अरे भाई अभी तो कहीं नहीं जाएगा, देख भाई भाभी मेरा। देख जब तक दारू खत्म नहीं होगी आज तो फिर बाहर दारू पीने दे। एक, ये दो, ये तीन। अरे खत्म हो गई मेरे भाई। कुछ करना नहीं, देख एक बात मेरे ध्यान से सुन। सुना? देख, त्रेता युग में दूध मिले, द्वापर युग में घी, अरे मेरे भाई कलयुग में दारू मिली थोड़ी डिस्टेंस बना के पी। जय हो जय हो जय हो। अरे बड़े भाई एक बात बोलता हूँ। हाँ भाई, शराब ने आज तक घर तो बर्बाद किए ही है, अब ये देश बर्बाद होते हुए सब लोग देखेंगे। तो बड़े भाई एक पैक आप लगाओ, एक पैक हम लगाते हैं और मिलके इस बात को बचाते हैं। स्प्रेड द कोर पॉजिटिविटी। भाई दारू लिए बिना आज तो घर नहीं आऊंगा। जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे मिस्टर कमल चंद्रा जी, जो चकना बांटने की सेवा में लगे हुए हैं। तो चलिए आइए सुनते हैं इनकी कहानी, इनकी ही जवानी, सॉरी जुबानी। तो मिस्टर कमल जी, आप ये बताएं कि आप चकना बांटने का काम कब से कर रहे हैं? जी भैया जी, हमें चकना बांटने का काम पिछले दो दिन से कर रहे हैं। पहले दिन मैं खुद अपने लिए यहाँ अकेले चकना लेके बैठा था, लेकिन फिर कुछ हमारे श्रद्धाशील शराबी भाई हमारे पास आए। उन्होंने बड़ी श्रद्धा भरी आंखों से हमारी ओर देखा। उनकी आंखों में चखने के लिए एक अलग ही दिव्य लालसा दिखाई दे रही थी। बस फिर क्या,
हमने उसी दिन से हमारे श्रद्धा से शराबी भाई उनके यहाँ चखना बांटना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारे शराबी भाई हमारी और बड़ी श्रद्धा भरी निगाहों से देखते हैं, पर उनके चखने का ध्यान रखना ये हमारी मानवता को दर्शाता है। तो आप हमें ये बताइए कि आप इतना पुण्य का काम करते हुए कैसा महसूस करते हैं? देखिए, शराब की लाइन लगाए लोगों को चखना बांटना बहुत ही पुण्य का काम है, आप भी करके देखिए, अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। तो मैं राहुल चोरगलिया कैमरामैन चिलगोजा के साथ करीब न्यूज चैनल से। भाई क्या हो गया, शटर क्यों लगा रहे हो? भैया आपको दारू और ना मिली हड़ताल भी हड़ताल। भाई रुपए निकल गए, चला बैठ। भाई दो बंदे हमारा एटीएम से पीछा कर रहे हैं भाई। क्या? भगा 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 भगा। भाई वो नहीं आ रहे पीछे, बच गए यार। अरे तो बैग लेके भाग गए। अभी बैग लेके भाग गए, बोतल तो उसी में थी। अरे ओ भाई रुपए ले जाओ, बोतल ले जाओ। चल भाई हो जा शुरू।